Hello everyone, this is the video for class 7, chapter number 1, part 2. Part 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आपको क्लास 7 की बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम चेक पॉइंट 1 तक के डिस्कस कर चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 ज़रूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आज का हमारा पहला टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू ऑर्गेनिज्म। अगर आपको याद होगा, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊँ पिक्चर के थ्रू, तो आप ये पिक्चर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे लोअर लेवल था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल था हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम हायर लेवल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसमें बायोस्फीयर एंड ऑल सारी चीज़ें आती हैं। तो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स मिलकर पॉपुलेशन क्रिएट कर रहे हैं, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो ये ब्लू येलो बॉक्स में जो इकोसिस्टम के बारे में लिखा है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द मेम्बर्स ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरमेंट टुगेदर फॉर्म एंड इकोसिस्टम। मतलब जो बायोटिक का मतलब होता है बच्चों, जो लिविंग थिंग्स हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। इन एन इकोसिस्टम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट ईच अदर। अब ये ऑब्वियस ही बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। दे अफेक्ट देयर इन्वायरमेंट एंड आर अफेक्टेड बाय देयर इन्वायरमेंट। मतलब वो अपने वातावरण को अफेक्ट करते हैं, और जैसा वातावरण होता है उससे वो भी अफेक्टेड होते हैं, राइट? तो उसके आगे जो वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं और इन्वायरमेंट भी उनसे अफेक्टेड होता है। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर फूड एंड द फूड चेन एंड फूड वेब। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, फूड चेन फॉर्म होती है इसी से, जब एक इंटरकनेक्शन होता है और जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिलती हैं, फूड चेन फॉर्म होती है जब एक एनिमल दूसरे को खा रहा है, दूसरा किसी और को खा रहा है, वो किसी और को खा रहा है, तो इस तरह से फूड चेन बनती है, और बहुत सारी फूड चेन बन करके फूड वेब बनाती हैं। इस तरह से एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन लेवल टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ द अदर लेवल इन द फूड चेन। इसी तरह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है पूरे फूड चेन में होता है। तो ये हमारा थोड़ा सा इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है कि इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक है, बायोटिक कम्युनिटी दोनों अफेक्टेड होते हैं, उन सबको इंक्लूड करके हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारी फूड चेन बनती है, फूड वेब बनती है, और एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वन लेवल से दूसरे लेवल में। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायर टू ऑर्गेनिज्म। नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है अकेले। अब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है। इट इंट्रैक्ट्स विद बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग अबायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स एनवायरमेंट। अब वो कोई भी पर्सन हो या कोई एनिमल हो, कोई भी लिविंग कॉम्पोनेंट हो, वो अपने नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट से इंट्रैक्ट करेगा और लिविंग कॉम्पोनेंट से भी इंट्रैक्ट करेगा सर्वाइवल के लिए। दिस इंट्रैक्शन फॉर्म्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अबव ऑर्गेनिज्म इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मतलब अब जब ये आपस में इंट्रैक्ट करते हैं तो इससे एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और किस ऑर्डर में होता है, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जितना बढ़ता रहता है उतना वो मुश्किल होता रहता है, कॉम्प्लेक्स होता रहता है। दीज आर पॉपुलेशन लेवल। अब ये लेवल्स बताई जा रही हैं, पॉपुलेशन लेवल सबसे पहले, फिर कम्युनिटी लेवल, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल, कि जब ये एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं तो इस तरह से जो उसका इंट्रैक्शन है वो ये सारे लेवल्स बनाता है, जो कि है पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, इकोसिस्टम लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 11 पे। सबसे पहला हमारा है बायोस्फीयर लेवल। तो अब आपको समझना है
बायोस्फीयर लेवल क्या है, यहाँ पे आपकी बुक में सिर्फ बायोस्फीयर लेवल के बारे में बताया गया है। हम पॉपुलेशन लेवल डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलेशन लेवल का मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है दैट इज़ नोन एज अ पॉपुलेशन लेवल। फिर कम्युनिटी, जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिल करके एक पूरी कम्युनिटी बनाती है उसको कम्युनिटी लेवल कहते हैं। अब कम्युनिटी में क्या है, लिविंग नॉन लिविंग सभी फैक्टर्स हैं तो उसको कहा जाता है इकोसिस्टम लेवल। फिर जो हमारा है लास्ट है दैट इज़ द बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल हम डिस्कस करते हैं, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट सपोज लाइफ, मतलब इस पूरी यूनिवर्स का एक पार्ट जो लाइफ सपोर्ट करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। राइट, इट कंप्राइजेज ऑल द इकोसिस्टम। अब इसमें सारे इकोसिस्टम्स आते हैं। सारे इकोसिस्टम का मतलब क्या है, लैंड इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम। इट इंक्लूड्स लाइफ ऑन लैंड, मतलब ज़मीन पे जो भी जिंदगी है वो, इन वाटर एंड इन एयर। इट इंक्लूड्स लाइफ ऑन लैंड इन वाटर एंड एयर, मतलब हवा में जो जिंदगी है, ज़मीन में, पानी में, सब बायोस्फीयर लेवल में आ जाती है। बायोस्फीयर लेवल को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये याद कर रखने वाली चीज़ है, इसको याद रखिएगा कि बायोस्फीयर लेवल को इन तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है, इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज, पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस, सारी जो पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड सरफेस, मतलब जो ज़मीन का हिस्सा है। इट इंक्लूड बोथ अपर सरफेस विच सपोर्ट्स द प्लांट्स एंड डीप लेयर वेयर एनिमल्स लिव्स एंड बरो, मतलब जो ज़मीन का हिस्सा है और ज़मीन के अंदर भी जो एनिमल्स रहते हैं वो सभी लिथोस्फीयर की कैटेगरी में आते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ सॉइल एंड रॉक, किसका बना हुआ है, सॉइल का और पत्थरों का। एटमॉस्फेयर क्या है, गैसियस कवरिंग दैट एनवेलप बोथ हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। अब जो गैसियस कवरिंग है दैट इज़ द एटमॉस्फेयर, उसमें हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर दोनों आ जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर अप टू 7 to 8 किलोमीटर्स अबव सी लेवल्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये 7 से 8 किलोमीटर तक के एग्जिस्ट करते हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एरियल एनिमल कहते हैं, जो एयर में सर्वाइव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो दूसरा की कॉन्सेप्ट इसका है, अब हम मेन जो हमारा चैप्टर है, अभी तक हम टिश्यू के पहले की सारी बातें पढ़ रहे थे, सेल्स, ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब हम टिश्यूज़ की तरफ मूव करेंगे कि टिश्यूज़ जो हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये आप याद रखिएगा, प्लांट टिश्यूज़ एंड दूसरे जो हमारे हैं वो एनिमल टिश्यूज़ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू हमारा पहला टॉपिक है। अब हम पहले इस चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है, प्लांट टिश्यूज़ को डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज़ में, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। अब यहाँ पे समझिए कि मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो डिवाइड हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और परमानेंट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो डिवाइड होने की एबिलिटी को खो चुके हैं। मेरिस्टमैटिक तीन तरह के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम। राइट, और बस यही तीन इसकी कैटेगरीज हैं। परमानेंट टिश्यूज़ फर्दर दो में डिवाइडेड होते हैं, सिंपल परमानेंट। इस चार्ट को आप बना सकते हो, नोट डाउन कर सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन ताकि आपको उसका क्लासिफिकेशन याद हो जाए। परमानेंट, सिंपल परमानेंट होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं। सिंपल परमानेंट फर्दर दो में डिवाइडेड हैं, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव टिश्यूज़। देन प्रोटेक्टिव दो तरह के होते हैं, उसमें दो चीज़ें आती हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। सपोर्टिंग में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। ये सारी चीज़ें जो भी जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं ये हम डिटेल्स में भी अभी आगे डिस्कस करेंगे, जाइलम फ्लोएम के फंक्शंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब अगर आपसे टिश्यू की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप यही लिखेंगे, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब सेल्स का वो समूह, वो ग्रुप जो सेम तरह की हों सेल्स, और उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर भी ऑब्वियसली सेम होंगे।
प्लांट टिश्यूज आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। प्लांट टिश्यूज को दो में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टमैटिक जिसको मेरिस्टम्स भी कहते हैं एंड परमानेंट टिश्यूज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब हम सबसे पहले मेरिस्टमैटिक टिश्यू, यहाँ डायग्राम में फिगर 1.5 में देख सकते हैं, ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू का डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। द मेरिस्टम्स या फिर मेरिस्टमैटिक टिश्यूज उसको कहा जाता है। मेरिस्टम और मेरिस्टमैटिक टिश्यूज आर फॉर्म्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग यंग सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। मतलब उन सेल्स से मिलकर के बना होता है जो कंटिन्यूसली डिवाइड होती जा रही हैं। वो यंग सेल्स हैं जो ग्रो हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। दे कीप एडिंग न्यू सेल्स। इनमें क्या होता है, अब भाई ऑब्वियसली बात है, जब बार बार डिवीजन हो रहा है तो उसके वजह से नई सेल्स बन के ऐड हो रही हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की ग्रोथ है, जो नई सेल्स आ रही हैं, वो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज के वजह से ही होती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ये पेड़ की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उसके बाद अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टम्स, मेरिस्टमैटिक सेल्स आर ओवल एंड स्मॉल। अब जो मेरिस्टमैटिक सेल्स होती हैं, इनका शेप कैसा है, ओवल है एंड स्मॉल। हैव थिन वॉल्स, इनकी जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, बहुत पतली पतली, बहुत हल्की वॉल्स होती हैं। देर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो एक जो दो सेल्स हैं इनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, एकदम क्लोजली पैक्ड हैं। स्पेस बिटवीन द सेल, इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब एक दूसरी सेल के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है। द न्यूक्लियाइज आर लार्ज एंड सेंट्रली लोकेटेड। न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस कैसा है, सेंट्रली लोकेटेड, मतलब सेंट्रल में है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट और इधर वेरी स्मॉलर। वैक्यूल इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, और अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो भी इसका स्ट्रक्चर है मेरिस्टमैटिक सेल का, इस तरह से होता है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में या लोकेशन के बारे में अगर बात करें, तो मेरिस्टमैटिक सेल्स पाई कहाँ जाती हैं। मेरिस्टमैटिक सेल्स आर फाउंड एट द ग्रोइंग पॉइंट्स। अभी बताया कि इसमें डिवीजन होता रहता है, तो पेड़ की लंबाई के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं, जहाँ से पेड़ बढ़ रहा होता है, वहाँ पर मेरिस्टमैटिक टिश्यूज सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इट फॉर्म्स एपिकल मेरिस्टम्स, और जो ऊपरी हिस्सों में प्रेजेंट होते हैं उनको एपिकल मेरिस्टम्स कहते हैं। जैसे रूट्स की जो एंड्स हैं, जहाँ से रूट्स बढ़ रही हैं, एपिकल एरिया जो है, जो एपेक्स एरिया है, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। शूट्स एंड ब्रांचेस, सेम फॉर द शूट्स एंड ब्रांचेस। द ग्रोथ इन थिकनेस ऑफ अ स्टेम एंड रूट इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द लेटरल मेरिस्टम। और जो लेटरल मेरिस्टम है वो किसके वजह, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोटाई के लिए। वो लेटरली जो प्लांट है उसको ग्रो करता है, तो मोटाई चौड़ाई के लिए लेटरल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शन अगर देखे जाएं, मेरिस्टम्स हेल्प प्लांट्स टू ग्रो इन लेंथ एज वेल एज इन ग्रोथ। तो भाई अब ये पेड़ की चौड़ाई भी बढ़ा रहा है और पेड़ की लंबाई भी बढ़ा रहा है, तभी तो कहा जाता है कि ये ग्रोथ में मदद कर रहा है। ऑल न्यू ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स ऑर्गन्स सॉरी लाइक बर्ड्स फ्लावर्स लीव्स न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस अराइजेस बाय द न्यू सेल्स फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक सेल्स। और जो भी नई सेल्स प्लांट में निकल रही होती हैं, वो इन्हीं मेरिस्टमैटिक सेल्स के डिवीजन के वजह से ग्रोथ हो रही होती है। तो ओवरऑल हमने डिस्कस किया प्लांट का पहला जो टाइप है मेरिस्टमैटिक टिश्यू, उसमें एपिकल, इंटरकैलरी, इंटरकैलरी जो होते हैं वो नोड्स के पास प्रेजेंट होते हैं, और लेटरल मेरिस्टम्स के बारे में कि ये ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे हम एक्टिविटी देखेंगे। टू स्टडी द एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टम। अब हम जो एपिकल मेरिस्टम जो पार्ट है मेरिस्टमैटिक टिश्यू का, उसकी एक्टिविटी को स्टडी करेंगे। प्रोसीजर है, सोक सम ड्राई सीड्स ऑफ ग्राम ग्रीन ग्राम्स ओवर नाइट इन अ बोल, नेक्स्ट डे ड्रेन आउट द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव्स द सीड्स इन द बोल कवर्ड विद आ मॉइस्ट क्लोथ्स फॉर टू और थ्री डेज। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, ग्रीन ग्राम की जो सीड्स हैं वो ले लेना है, भिगो करके फिर उसका पानी निकाल के उसको एक गीले कपड़े में दो तीन दिन के लिए ढक के रख देना है। ऑब्जर्वेशन, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर कम आउट ऑफ ईच सीड, दिस इज कॉल्ड अ स्प्राउट। तो ये आप चने के साथ भी कर सकते
सकते हैं, जो मूंग की दाल होती है उसके साथ कर सकते हैं। आप जब उसको भिगो के रखेंगे एक दिन, एक ओवरनाइट जब वो भीग जाएगी, फिर दूसरे दिन उसका पानी निकाल के किसी गीले कपड़े में ढक कर के उसको रखेंगे तो उसमें स्प्राउट्स निकल आएंगे, खुए जिनको कहते हैं। इट इज़ द रेडिकल दैट ग्रो इन टू द रूट्स। तो जो वो पहला ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर निकलेगा वो क्या है, वो आगे जा कर के उसी से ही जड़ें बनती हैं। हम लोगों ने रूट और शूट सिस्टम में डिस्कस किया था कि रेडिकल से रूट्स बनती हैं। कंक्लूजन क्या है, द टिप ऑफ द रेडिकल इज फॉर्म ऑफ द एपिकल मेरिस्टम। अब जो इस ये जो रेडिकल निकला, जो इसकी टिप है, ये किसकी बनी हुई है, ये एपिकल मेरिस्टम की बनी हुई है, बिकॉज ऑफ विच इट्स ग्रोज वेरी फास्ट, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आई होप इतनी सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। एंड सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। पार्ट टू में ये सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस किया है। इसको आप रिवाइज़ करिए, पार्ट वन को, पार्ट टू को रिवाइज़ करिए। नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट थ्री में, हम परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।